Hello everyone, I am Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics 7050523391. ये हमारा दूसरा वीडियो है आज का जो कवर करेगा रिक्स लवर एंड इंश्योरेंस पॉलिसी. जी हाँ, उस पर हमने एक क्वेश्चन लिखा, इस पर आप लोग देखते हैं अंडर इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी का ब्लॉक 7 का ABC001/101 का. द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इज यू इक्वल टू एम स्क्वायर. यूटिलिटी दिया हुआ है. इफ हर इनिशियल वेल्थ इज 30 रुपीज, देन वुड सी एक्सेप्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 100 विद द प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ लूज इज 30%. तो यहाँ पर 200 और 20 है, तो मतलब अगर लूज हैपन होगा तो उसे 100 रुपीज मिलेगा. मैंने सपोज दैट एक कॉमोडिटी है, उसकी वर्थ 100 रुपीज का हम मेरे वैल्यू का एक कोई कॉमोडिटी मान के चलिए, एक पेन का मैं इंश्योरेंस कराया जिसकी कीमत 100 रुपया है, तो हमको 20 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है, अगर हमारा पेन लॉस्ट हो गया, कुछ चुरा लिया, भुला गया, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? 100 रुपया, क्योंकि 20 रुपया हम प्रीमियम देते हैं. ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये कुछ क्वेश्चंस है. यूटिलिटी आपको दिया गया है, इनिशियल वेल्थ भी दिया गया है, तो आपको दो तरह के केसेस यहाँ पर, एक केसेस में आपका भुला भी सकता है फर्स्ट केसेस और नुकसान हो सकता है, लूज हो सकता है, और दूसरा केसेस में आपको नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग अध्ययन करते हैं. फर्स्ट गिवन यूटिलिटी, गिवन यूटिलिटी इक्वल टू यू इक्वल टू एम स्क्वायर. ठीक है, इनिशियल जो वेल्थ है, इनिशियल वेल्थ जो उसके पॉकेट में रुपया है वो कितनी है? 36 रुपीज. तो एक कंडीशन पहला होगा, फर्स्ट कंडीशन में हम कह सकते हैं अमाउंट इफ लूज हैपेंस, मतलब हमारा लूज हैपन होता है उस कंडीशंस में, इसको हम डिनोट करते हैं M1 से. ठीक है, ये M1 जो हम डिनोट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ और अमाउंट इफ लूज हैपन. तो मान के चलिए 36 रुपया मेरे पास है. ठीक है, पहले बात को समझिए, 36 रुपया मेरे पॉकेट में था. अगर वो सामान मेरा कलम भुला जाता है जिसके लिए 20 रुपया हम देते हैं, तो उसको कितनी मैंने मिलेगी? हमारा उसी वर्थ का मिलेगा, क्योंकि हम 20 रुपया प्रीमियम देते हैं भैया, तो भुलाएगा तो हम 100 रुपया इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगी. तो 36 प्लस 100, लेकिन इसके लिए हम 20 रुपया माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपया हम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को. तो टोटल हमारा कितना हो रहा है? 136 माइनस 20 इक्वल टू 116. ये M2 निकाले हम लोग. ठीक है, इसकी और यहां पर एक चीज है, हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ लूज इज 30%. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है होने का? 30%, यानी 0.3. 30% को हम इस तरह लिख सकते हैं, 30%, तो 30 by 100. ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे 10 से तो क्या होगा? 0.3. ठीक है, ये हमारा निकल गया. अब दूसरा केस है, केस सेकंड, अमाउंट इफ लूज डज नॉट हैपन, मतलब हम जो कलम का इंश्योरेंस करवाया वो बुलाता नहीं खोता है, ना ही चोरी होता है, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा? वो देखो, मेरे पॉकेट में तो 36 रुपया है. ठीक है, माइनस करना पड़ेगा हमको 20 रुपीज,
अगर इसलिए करना पड़ेगा हमको, 1 रुपया इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा जब मेरी कोई नुकसान नहीं होगा मेरे सामान का, लेकिन प्रीमियम तो देना पड़ेगा, नुकसान होने के केस में वो हमको करेगा। तो ये दूसरा केस है, अगर हमारा लॉस हैपन नहीं हुआ तो हमारे इनिशियल बैलेंस से ही हम अपने पॉकेट से ही 20 रुपये प्रीमियम देंगे ना, तो यहाँ पर 16 रुपीज हो गया। अब ये क्लियर हो गया हमारे पास, इसको सॉरी M1, इसको M1 मानेंगे, इसको M2, और उसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, P2, तो 1 माइनस, ठीक है, P1 कर सकते हो, तो P1 का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 माइनस 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.7, क्योंकि हम पहले ही बता देंगे P1 प्लस P2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, हम 1 से घटा देंगे तो किसी का P2 का, अगर हमको क्या P2 का निकालना है, P2 का निकालना था, आसान से फॉर्मूले बन गया, 1 रहेगा इधर, हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो 1 माइनस P1, तो सारा चीज हमको निकल गया। अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम यूटिलिटी हम यहां क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मैं लिखी हुई है, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा जो निकालने का था एक्सपेक्टेड वाला वैल्यू बताए थे क्या होगा, M1 टाइम्स P1, ठीक है, प्लस M2 टाइम्स P2, और सारा चीज का वैल्यू हमें दिया गया, क्योंकि यूटिलिटी का क्या है देख लीजिए, यहाँ पर एम स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर में इसको करना पड़ता है, बस इतना ही काम करना है, क्वेश्चंस में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ 36 का स्क्वायर टाइम्स P1 का वैल्यू हम क्या निकाले, 0.3 प्लस M2 का वैल्यू हम लोगों का क्या है 16, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, टाइम्स 0.7, आप इसको कैलकुलेशन है आपकी करोगे तो इसका हम समय बताते हुए करते हैं, आप इसको करके देखना, तो ये आएगा पहले कर लो 0.36 × 36 प्लस 16 × 16 × 0.7, ये पूरे टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4036.8 प्लस 179.2, ठीक है, इसको दोनों को आप ऐड करोगे तो आएगा 4216, तो ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है। अब हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ उसका इनिशियल सॉरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ हिज इनिशियल वेल्थ का निकालते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ हर इनिशियल वेल्थ, तो इनिशियल वेल्थ कितना था 36 था, तो एम स्क्वायर है तो 36 को स्क्वायर कर देंगे, अब इसका आता है 1296, देख लेते हैं जी, 1296 आएगा 96, तो देखिए एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ हर इनिशियल वेल्थ सिर्फ 1296 आ रहा है, और लेकिन जब और इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो आ रहा है 4216, तो कोई भी बंदा जिधर ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा उधर मूव करेगा वो, तो दैट मीन्स वो इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करेगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज्यादा है इनिशियल यूटिलिटी से, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इनिशियल वेल्थ इज द लेस देन
expected utility of insurance policy. In other words, we can say expected utility of insurance policy is a higher than expected utility of initial value. That's the why any rational person would like to purchase insurance policy to avoid any type of loss occurring in the future. तो यही था हमने. अब ये तीसरा एक वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसके बाद मिलेगा आपको, वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअरियली फेयर प्रीमियम. कैसे इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेशन करता है प्रीमियम के लिए. तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड. एंड इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय ऑल वीडियो फुल टाइम. ओके, thanks for watching my video till end. Once again, thanks. Jai Hind.